Hello students, welcome back to Banking Planet. Good morning you all. And first of all, I would like to wish you a very Independence Day. और आज का हमारा सेशन है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीकली करंट अफेयर्स MCQs. आप सभी को शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की. तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, जो कि रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट. सो बिगिन विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप. कौन सा देश T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 होस्ट करने जा रहा है और हमारा प्यारा भारत होस्ट करने जा रहा है 2021 का T20 वर्ल्ड कप. और देख लेते हैं हम डिटेल्स में T20 जो टूर्नामेंट जितने भी ICC हुए हैं उनके बारे में और नेक्स्ट रहने वाले हैं स्केड्यूल्ड हैं. ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 होस्ट करने वाला है इंडिया. और 2022 में होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया. कौन सा T20 वर्ल्ड कप जो कि 2020 में ड्यू टू कोविड पैंडमिक पोस्टपोन कर दिया गया था, उसे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2022 में. क्लियर. और 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो कि रहने वाला है 2023 में, उसे अगेन हमारा प्यारा भारत होस्ट करने वाला है. कौन होस्ट करेगा 2023 का 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप ICC इंडिया इज गोइंग टू होस्ट. विमेंस वन डे इंटरनेशनल 2021 2021 का विमेंस इंटरनेशनल वन डे जिसे होस्ट करने वाला है न्यूजीलैंड और 2022 में होस्ट करेगा. ये 2021 में ऑर्गेनाइज करा जाना था, ये अगेन ड्यू टू कोविड पैंडमिक पोस्टपोन कर दिया गया, 2022 में रिस्केड्यूल करा गया है. ICC T20 विमेंस 2020 जो कि हो चुका है, जिसका होस्ट रहा ऑस्ट्रेलिया और विनर भी रहा ऑस्ट्रेलिया और रनर अप रहा इंडिया. ICC T20 विमेंस 2022 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप 2021 का इंडिया होस्ट करेगा, 2022 का साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट करा जाएगा. और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि हुआ था साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका वाज द होस्ट ऑफ अंडर 19 ICC वर्ल्ड कप और विनर कौन रहा था, बांग्लादेश. अगेन यहाँ रनर अप रहा इंडिया. और स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं ICC के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE और जिसके चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और CEO कौन है मनुष्वाने हैं ICC के CEO. इतने सारे फैक्ट आई होप आप सभी को क्लियर होंगे. हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. PNB हाउसिंग फाइनेंसिंग लिमिटेड हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स MD एंड CEO. PNB हाउसिंग फाइनेंस बैंक के द्वारा किसे अपने MD एंड CEO के रूप में नियुक्त करा गया है. और PNB हाउसिंग फाइनेंस बैंक ने नियुक्त करा है हरदयाल प्रसाद. ऑप्शन सी इज आर आंसर, हरदयाल प्रसाद को नियुक्त करा है. अब हम देख लेते हैं ऑप्शन से, बाकी के ऑप्शन जो फ्रेम करे गए हैं वो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है. मार्कोस प्राडो ट्रोजियो जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया है NDB बैंक का, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना. अश्विनी तिवारी को हाल ही में SBI कार्ड का MD एंड CEO अपॉइंट करा गया है, क्योंकि हरदयाल प्रसाद जो कि थे पहले SBI कार्ड के MD एंड CEO, इन्होंने ज्वाइन कर लिया. PNB हाउसिंग फाइनेंस और SBI कार्ड के MD CEO बन गए हैं अश्विनी तिवारी और अश्विनी भाटिया हैं SBI म्यूचुअल फंड के चेयरपर्सन. तो आगे बढ़ चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेम द न्यूली अपॉइंटेड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. हाल ही में किसे इंडिया के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के रूप में अपॉइंट करा गया है. और GC मुर्मू जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, LT गवर्नर थे, उनको अपॉइंट कर दिया गया है एस कैग.
और श्री राजीव महर्षि, ये थे पहले कैग और अब जो है करंट कैग वो रहने वाले हैं जीसी मुर्मू, अनिल किशोरा वाइस प्रेसिडेंट, अगेन ये वाइस प्रेसिडेंट है किसके, एनडीबी के वाइस प्रेसिडेंट है और जिसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया शंघाई चाइना में है। और शशिधर जगदीशन को हाल ही में नियुक्त करा गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ पहले थे आदित्य पुरी और अब उनके बाद शशिधर जगदीशन को बना दिया गया है एचडीएफसी बैंक का एमडी एंड सीईओ। दीपक पारेख हैं एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑप्शन इज आर आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडुकेशनिस्ट प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। प्रदीप कुमार जोशी जो कि एडुकेशनिस्ट प्रोफेसर हैं, इनको एडुकेशनिस्ट हैं, इनको चेयरमैन बना दिया गया कौन सी इंस्टीट्यूशन का, और ये यूपीएससी के चेयरमैन बन गए। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है अक्रॉस इंडिया और जिसके चेयरमैन बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। और सीबीएसई के हेड कौन है, सीबीएसई के हेड हैं मनोज आहूजा हैं चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, सीबीएसई के चेयरमैन बन गए, चेयरमैन हैं जिन्हें हाल ही में नियुक्त करा गया है मनोज आहूजा। कौन, मनोज आहूजा। और एनटीपीसी के चेयरपर्सन कौन है, गुरदीप सिंह। और आईबीपीएस के डायरेक्टर हैं हरिदेश कुमार बी और इसके चेयरमैन हैं राज किरण राय जी जो हैं चेयरमैन हैं और हरिदेश कुमार बी डायरेक्टर हैं आईबीपीएस के। आई होप इतने सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट नंबर चलते हैं नेक्स्ट, और आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस साल में इस्टैब्लिश करा गया था और ये इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, 1926 में। आइए कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन डी हमारा आंसर है, 1 अक्टूबर 1926 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1926 एज पब्लिक सर्विस कमीशन। इट वाज लेटर रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहले यूपीएससी का नाम क्या था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था और जिसे 1935 में जो एक्ट 1935 के तहत स्थापित किया गया था उसको रीनेम करा गया एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। क्लियर। नेक्स्ट इज द बुक टाइटल्ड अमेजिंग अयोध्या विच प्रोमिसेस टू ऑफर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटी अयोध्या इज रिटन बाय होम। एक बुक लिखी गई है अमेजिंग अयोध्या जो कि कहा जा रहा है कि इसमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी अयोध्या सिटी के बारे में। ये किनके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक हैं, इसकी लेखिका हैं नीना रॉय। ऑप्शन बी इज आर आंसर। बाकी के ऑप्शन से देख लेते हैं, ये भी लेखक हैं और इनके द्वारा हाल ही में बुक्स लिखी गई हैं और लेटेस्ट बुक जो इनकी है मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो निरुपमा यादव के द्वारा बुक लिखी गई है विशेष कोड टू विन। और ये विशेष जो है, विशेष भृगुवंशी है, एक बैडमिंटन प्लेयर, उनके नाम पर उनकी बायोग्राफी ये लिखी गई है। विजय कुमार चौधरी, इनके द्वारा बुक लिखी गई है सियासत में सदस्यता और जिसे रिलीज करा गया है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा। और स्टीफन मेयर के द्वारा बुक लिखी गई है कौन सी, मिडनाइट सन बुक लिखी गई है स्टीफन मेयर के द्वारा। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू प्रिवेंट ट्रेन डिलेज इंडियन रेलवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड विच ऐप फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। डिलेज को रोकने के लिए
ट्रेन डिले को रोकने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप लॉन्च करा गया है। इस ऐप का नाम क्या है? OHE इंस्पेक्शन नाम का एक ऐप रिलीज करा गया है, और जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा जिससे कि ट्रेन डिले को रोका जा सकेगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए इज आर आंसर। और बिस्केयर लॉन्च करा गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा हॉलमार्क की चेकिंग के लिए। बिस्केयर ऐप लॉन्च करा गया है। मौसम ऐप लॉन्च करा गया है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और वेदर फोरकास्ट के लिए जिसे लॉन्च करा था डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हैं अर्थ साइंस मिनिस्टर और जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? चांदनी चौक दिल्ली। सहयात्री ऐप भी रिलीज करा गया था इंडियन रेलवे के द्वारा ही, और ये लेटेस्ट नहीं है। तो ये तीनों जो हैं ये हाल ही में रिलीज करे गए हैं। नेक्स्ट, आरबीआई फॉर्म्स 5 मेंबर कमिटी अंडर डैश पैनल टू रिकमेंड पैरामीटर्स फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग। अभी COVID-19 के चलते हुए जितने लोन जो है हैम्पर्ड हुए उनको रीस्ट्रक्चर करने के लिए आरबीआई के द्वारा क्या करा गया है? 5 मेंबर का एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट करा गया है। इसे हेड कौन करेंगे? और इसे हेड करा जाएगा केवी कामत के द्वारा। किसके द्वारा? केवी कामत के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। और बाकी के जो ये आप ऑप्शन में देख रहे हैं ये रहने वाले हैं इस कमिटी के मेंबर। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट टाइज अप विद विच टू स्टार्ट वर्चुअल क्लासेस फॉर ओवर 22 मिलियन स्टूडेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किसके साथ टाई अप करा गया है, जो कि महाराष्ट्र में अराउंड जो 22 मिलियन स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। और इन्होंने टाई अप करा है गूगल के साथ। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और हाल ही में मर्सर के द्वारा लिस्ट रिलीज करी गई थी मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी की, और जिसमें मुंबई को रैंक करा गया था ग्लोबली 60th रैंक रही थी मुंबई की। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, विच स्टेट यूटी लॉन्च द इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। किनके द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च करी गई है? और ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च करी गई है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। और इसी के अंडर क्या करा जाएगा? इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड रोड टैक्स वगैरह के बारे में जो जितने भी रोड टैक्स है उनसे एग्जम्पशन दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी इस बारे में लॉन्च करी गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन सी इज आर आंसर। Who has launched My Handloom portal on the occasion of National Handloom Day? National Handloom Day जो कि 7th अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है एवरी ईयर, और इस साल 2020 में नेशनल हैंडलूम दिवस पर हैंडलूम पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च करा गया? और टेक्सटाइल मिनिस्टर जो हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी, इनके द्वारा हैंडलूम पोर्टल लॉन्च करा गया जो कि सिक्स्थ नेशनल हैंडलूम डे था जो 7th अगस्त को ऑब्जर्व करा गया था। और ये कौन सा था? 6th नेशनल हैंडलूम डे था, कंफ्यूज मत होइएगा, और 7th अगस्त को ऑब्जर्व करा गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, पीयूष गोयल हैं रेल मिनिस्टर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश नेशनल हैंडलूम डे वॉज ऑब्जर्व By the Ministry of Textile on 7th of August 2020 and answer मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये 6th National Handloom Day था जो कि 7th August 2020 को ऑब्जर्व करा गया था। Next question is CSIR has signed an agreement with which for corporate collaborative research and information dissemination in the area of food and nutrition. CSIR के द्वारा हाल ही में किसके साथ कोलैबोरेशन करा गया है, एक अग्रीमेंट साइन करा गया जो कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करेगा फूड और न्यूट्रिशन के एरिया में, और इनके द्वारा
अग्रीमेंट साइन करा गया है फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, फसई के साथ अग्रीमेंट साइन करा गया है, और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट कौन है, उदय कोटक हैं, आईसीएमआर के चेयरमैन हैं बलराम भार्गवा, नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरपर्सन हैं राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। और बाकी हम फसई के फैक्ट्स और सीएसआईआर के फैक्ट्स देख लेते हैं। फसई ये अगस्त 2011 में फाउंडेड हुआ था। फसई रीता थियोतिया है चेयरपर्सन, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सीईओ है अरुण सिंगल, जिन्हें हाल ही में नियुक्त करा गया था सीएसआईआर के। डायरेक्टर जनरल है शेखर सिंह मांडे, और इसका हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली में। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फाइनेंसिंग फैसिलिटी के लॉन्च करी गई है अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसका आउटले क्या रखा गया, और इसका आउटले रखा गया 1,00,000 करोड़। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व ऑन डैश एनुअली। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है हर साल, और ये ऑब्जर्व करा जाता है 10th of August को। और आप सेशन से अंत तक जुड़े रहिएगा, जिससे कि मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 15th August तक के। अभी तक भी जितने भी डेज हमने डिस्कस करे हैं उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आप सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा। हम डिस्कस करेंगे अभी तक के सारे अगस्त मंथ के डेज। और अगर आप सेशन से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। विच एयरपोर्ट हैज डेवलप्ड अ पोर्टल एयर सुविधा। कौन से एयरपोर्ट के द्वारा हाल ही में एयर सुविधा नाम का पोर्टल डेवलप करा गया, और ये दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा ही डेवलप करा गया है, जिसमें क्या होगा कि ऑनलाइन हेल्थ इंक्वायरी ले ली जाएगी ऑलरेडी, और जिसके पैसेंजर्स के लिए सुविधा रहेगी। और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या करा गया है, मास थर्मल स्क्रीनिंग डिप्लॉय करा गया है। और कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट को हाल ही में बेस्ट एयरपोर्ट का चुना गया था, और छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो है मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल कर रखा गया है। आई होप आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर होंगे, और इसी के साथ हम पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिंदा राजपक्षा सोन इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री आफ्टर रिकॉर्ड विक्ट्री। महिंदा राजपक्षा को किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया है, और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं महिंदा राजपक्षा बन गए हैं श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, और जिसके प्रेसिडेंट हैं गोटबाया राजपक्षा और श्री जयवर्धने पुरे कोटे इसकी कैपिटल है, और रुपी है इसकी करेंसी। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। भूटान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं लोतोई शेरिंग हैं, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशंस रिसर्चर्स बैक्ड गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2024 क्लीन एनर्जी रिसर्च। किस इंस्टीट्यूशन के रिसर्चर्स के द्वारा हाल ही में गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 को विन करा गया है, यानी इनको दिया गया है, और इन्होंने क्लीन एनर्जी रिसर्च जो क्लोथ्स हैं ड्राई करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं रूफ में, और उनमें से जो पानी निकलता है उसमें से ये क्लीन एनर्जी को डेवलप करेंगे, और इसी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। और ऑप्शन ए इज आवर आंसर। IIT खड़गपुर के द्वारा ये करा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। हम देख लेते हैं डिटेल में बाकी की IITs जो है ऑप्शन में, इनके द्वारा भी कुछ रिसर्च करे गए हैं या इनके द्वारा भी कुछ डेवलपमेंट करी गई है, तो वो भी हम फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो है हमारा आंसर IIT खड़गपुर, इसको
टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी है उसमें रैंकिंग में फर्स्ट दिया गया था। आईआईटी खड़गपुर रैंक्ड टॉप अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटी में टॉप रही थी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2020। अब बात कर लेते हैं आईआईटी रोपर की। आईआईटी रोपर के द्वारा संपर्क ओ मीटर वार्ड बोर्ड डेवलप करा गया था। आईआईटी मद्रास का एक प्रोडक्ट सुंदरम वेंटिगो, साथ ही आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर और पद्मश्री अवार्डी थल्लापिल प्रदीप हैं, इन्हें निक्की एशिया प्राइज 2020 दिया गया था इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया गया था इन्हें निक्की एशिया प्राइज 25th था जो कि। और आईआईटी बॉम्बे की बात कर लेते हैं, इन्होंने डेवलप करा एक क्वारंटाइन ऐप, साथ ही एक सेफ ऐप जो कि ट्रैक करेगा वायोलेशन, जो कि क्वारंटाइन पर्सन है उनके द्वारा क्वारंटाइन का वायोलेशन करा जाएगा उसका। आईआईटी बॉम्बे हैज डेवलप क्वारंटाइन सेफ ऐप टू ट्रैक वायोलेशन बाय क्वारंटाइन पर्सन। और इसके साथ ही इट हैज डेवलप डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम रखा गया आयोसिंक और अजित माइक्रो प्रोसेसर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड फंडिंग फॉर नसाल जेल पासेज प्रिवेंशन फॉर कोविड 19 के प्रिवेंशन के लिए एक नसाल जेल डेवलप करा गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, जिसकी फंडिंग करी गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। और एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर उदार भी डेवलप करा गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। राइट, ये सब आपको फैक्ट्स क्लियर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, जल्दी से टिक कर दीजिएगा। थंब का जो आइकन है उसे आप टिक कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा सेशन को। द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-member कमिटी फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सीलिंग रेट्स अंडर अ स्कीम फॉर रीएम्बर्समेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज टू एक्सपोर्टर्स। इट विल बी चेयर्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है। 3-member कमिटी है जो कि डिटरमाइन करेगी सीलिंग रेट्स और अंडर द स्कीम फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज का जो रीइंबर्समेंट किया जाएगा एक्सपोर्टर्स के लिए उसे कौन हेड करने वाला है। और जीके पिल्लई से हेड करने वाले हैं और वाईजी परांदे जो हैं ये इसके मेंबर रहेंगे। जीसी मुर्मू के बारे में अभी हमने डिस्कस करा, ये कैग बन गए हैं इंडिया के। और दीपक पी पाठक आरबीआई के द्वारा एक क्यूआर कोड के लिए कमिटी गठित करी गई थी और जिसकी रिकमेंडेशन आरबीआई के द्वारा लागू कर दी गई है उसे दीपक दीप रिलीज कर दी गई है। दीपक दीप पाठक चेयर कर रहे थे। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर। हेडक्वार्टर है मुंबई, गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, डैश एंड इंपीरियल कॉलेज लंदन यूके हैव डेवलप्ड नैनो पार्टिकल्स मेटाग्रिड टू मेक लेड ब्राइटर एलईडी ब्राइटर एनर्जी एफिशिएंट। एलईडी को ब्राइटर और एनर्जी एफिशिएंट और ड्यूरेबल कर देगा जो कि है मेटाग्रिड। और ये आईआईटी गुवाहाटी और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के द्वारा ये डेवलप करा गया है। ऑप्शन ए इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर नांदी येल्ला पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड टू विच प्रोफेशन। नंदी येलैया का हाल ही में निधन हो गया और ये थे पॉलिटिशियन। क्या थे पॉलिटिशियन? आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एंड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन द स्वच्छ भारत मिशन। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रिलीज करा गया राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र और ये कहाँ पर सेंटर ये रिलीज करा गया केंद्र और ये कहाँ पर रिलीज करा गया और ये रिलीज करा गया न्यू दिल्ली में रिलीज करा गया, इनोग्रेट करा गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड ग्रोथ इन डिस्पर्शन ग्रिड पॉलिसी टू गिव incentives to IT companies that will set up their units. Growth dispersion के लिए किसने
एक पॉलिसी लॉन्च करी है जो कि इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी आईटी कंपनीज को जो कि सेटअप करेगी खुद के यूनिट्स, और ये तेलंगाना के द्वारा करा गया और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर कौन है तमिलसाई सुंदरराजन हैं गवर्नर तेलंगाना की। और तेलंगाना के हैदराबाद एयरपोर्ट की हमने बात करी जहां थर्मल स्क्रीनिंग डिप्लॉय करा गया हाल ही में, और वी सेफ टनल जो था सैनिटाइजिंग टनल वो भी तेलंगाना में ही फर्स्ट डेवलप करा गया था। नेक्स्ट ऑप्शन इज आर आंसर। और मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरम थांगा हैं, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, और न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। गवर्नर कौन है अनिल बैजल। मिजोरम की गवर्नर है पी एस श्रीधरन पिल्लई। और मणिपुर के गवर्नर टाइप करिए आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से, मणिपुर के गवर्नर कौन है एन बीरेन सिंह। नजमा हेप्तुल्ला हैं गवर्नर ऑफ मणिपुर, और एन बीरेन सिंह है चीफ मिनिस्टर। क्लियर। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बाय द कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। किन्हें हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट करा गया है, और हर्ष कुमार बनवाला को अपॉइंट करा गया है एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। हर्ष कुमार बनवाला जो कि नाबार्ड के चेयरमैन थे, अब हाल में जो करंट चेयरमैन है नाबार्ड के वो हैं गोविंदा राजुलू चिंताला, शशिधर जगदीशन ये हैं एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ, और केवी कामत मैंने अभी आपसे डिस्कस करा आरबीआई के द्वारा कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है और लोन रीस्ट्रक्चर के लिए केवी कामत उसे हेड करने वाले हैं। ऑप्शन बी इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हेड ऑफ नेशनल एक्सपर्ट कमिटी ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन है नेशनल एक्सपर्ट कमिटी के हेड जो कि वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई है, जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन के लिए, और इसके जो चेयरपर्सन रहने वाले हैं, इसके हेड रहने वाले हैं वी के पॉल। आंसर इज ऑप्शन ए, वी के पॉल हेड करेंगे वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन कोविड-19 के लिए जो कमिटी गठित करी गई है। उदय कोटक प्रेसिडेंट हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के, और साथ ही उदय कोटक हैं जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड है उनके द्वारा एक कमिटी गठित करी गई है जिसको जो कि कॉर्पोरेट के इंसॉल्वेंसी के लिए गठित करी गई है, और उसे उदय कोटक हेड करेंगे। अनिल कुंबले जिन्होंने ये है आईसीसी की एक कमेटी, और इन्होंने सलाइवा पर बैन लगा दिया था जो कि प्लेयर्स के द्वारा बॉल को स्विंग कराने के लिए यूज करी जाती है। और ऊषा थोराट सेबी के द्वारा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है म्यूचुअल फंड्स पर एडवाइजरी कमेटी, उसे हेड कर रही है ऊषा थोराट। ऑप्शन इज आर आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। आर ओनली होम क्लाइमेट टू अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये बुक किनके द्वारा लिखी गई है, और ये बुक लिखी गई है स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा के द्वारा बुक लिखी गई है। आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। बाकी के ऑप्शन से देख लेते हैं जो ऑर्डर्स हैं इनके द्वारा भी हाल ही में कौन सी बुक लिखी गई है, तो कोबे ब्राइंट और वेजली किंग के द्वारा बुक लिखी गई है द विजनार्ड सीरीज सीजन वन, द विजनार्ड। मैरी जॉर्डन के द्वारा द आर्ट ऑफ हर डील मिलेनिया ट्रम्प, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलेनिया ट्रम्प। और जिम कैरी के द्वारा बुक लिखी गई है मेमोइर्स एंड मिस इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंट्री विच हैज कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ इट्स एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2। हाल ही में किस देश के द्वारा एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 सक्सेसफुल टेस्ट फायर करा गया और यूए इसराइल के द्वारा करा गया। इसराइल के द्वारा करा गया है सक्सेसफुल टेस्ट फायर एक डिफेंस मिसाइल है सिस्टम एरो 2 जिसका इसराइल ने सक्सेसफुल परीक्षण करा है और इसराइल की कैपिटल है जेरूशलम और करेंसी है न्यू शकेल और बेंजामिन नेतन्याहू कौन है प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के जिन्हें ये हाल ही में रीइलेक्ट हुए थे 5th टाइम। तो ये हैं इस ऑप्शन से रिलेटेड और यूएई के द्वारा हाल ही में यूएई का फर्स्ट मार्स मिशन लॉन्च करा गया था और जिसका नाम क्या रखा गया था होप प्रोब। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्मल चिली एंड मियोन डिली बनाना विच हैव रिसीव्ड द जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। हाल ही में हर्मल चिली और मियोन डिली बनाना जिसको जीआई टैग दिया गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये गोवा के हर्मल चिली और मियोन डिली बनाना को जीआई टैग दिया गया है। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं और गोवा के माइलैब्स थी जिनके द्वारा फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग किट लॉन्च करी गई थी और मनसुख एल मंडाविया जो कि शिपिंग मिनिस्टर हैं इनके द्वारा फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी लॉन्च करी गई थी गोवा की मांडोवी रिवर में। ये हैं कुछ फैक्ट्स गोवा से रिलेटेड। नेक्स्ट एंड आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been appointed as the new chairperson of Indian Council for Research on the International Economic Research? ICRIER के नए chairperson किसे नियुक्त करा गया है और प्रमोद बसीन बन गए हैं नए chairperson Council for Research on International Economic Relations के और इश्तर जूट अलूवालिया जो हैं ये पहले इसके चेयरमैन थे और इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया और प्रमोद बसीन बन गए हैं इसके नए चेयरपर्सन। संजय द्विवेदी कौन है बात कर लेते हैं संजय द्विवेदी हैं डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल है संजय द्विवेदी और गुडनी जॉनसन ने हाल ही में नियुक्त हुए हैं आइसलैंड के प्रेसिडेंट जॉन गुडनी इलेक्ट हुए हैं आइसलैंड के प्रेसिडेंट गुडनी जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन Who has been appointed as the non-executive chairman of the Indiabulls Housing Finance Limited? Indiabulls Housing Finance Limited का non-executive chairman किसे नियुक्त करा गया है और शुभाष श्योरतन मुंद्रा ऑप्शन सी इज आर आंसर। देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन से शुभाष श्योरतन मुंद्रा को अपॉइंट करा गया non-executive chairman of Indiabulls हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। रविंदर बराकर को ये कौन है इनकी अपॉइंटमेंट भी हाल ही में हुई थी और ये हैं सीईओ किसके हैं सीईओ हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सीईओ कौन है रविंद्र बराकर और श्रीकांत माधव विजय कौन है ये हैं चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और जितने भी ऑप्शन है रीसेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है तो आप इसे नोट करते हुए जरूर चलिएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव और वी सूर्य नारायण की बात कर लेते हैं। वी सूर्य नारायण कौन है एमडी हैं इन्हें एमडी नियुक्त करा गया हाल ही में चोला मंडलम एमएस। नेक्स्ट हु हैज स्टॉप्ड द फोर्ब्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 लिस्ट जिसके द्वारा टॉप करी गई है जो कि एक्टर हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड हैं फोर्ब्स की 2020 लिस्ट के अकॉर्डिंग
और ड्वाइन जॉनसन ये रहे हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एक्टर, और अक्षय कुमार जो कि ये ओनली बॉलीवुड एक्टर हैं और इनको 6th रैंक दी गई है। बाकी के देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज आर आंसर। ड्वाइन जॉनसन फर्स्ट रैंक पर रहे हैं और इनकी इनकम रही है $87.5 मिलियन। इसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं रियान रेनॉल्ड्स और इनकी इनकम रही है $71.5 मिलियन। मार्क वॉलबर्ग थर्ड हैं और इनकी इनकम है $58 मिलियन। और सिक्स नंबर पर है इंडिया के ओनली बॉलीवुड सेलेब और जो कि टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर लिस्ट में नॉमिनेट जिनको रखा गया है और इनकी इनकम है $48 मिलियन और 6th रैंक है इनकी और इंडिया में फर्स्ट रहेगी क्योंकि ये ओनली है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना टू कंपनसेट फार्मर्स फॉर क्रॉप लॉसेस इन खरीफ सीजन। किस स्टेट के द्वारा क्रॉप लॉस जो होते हैं खरीफ सीजन में उनके किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च करी है, और गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी है, और वहाली तीकरी योजना किसकी है, गुजरात की है, और गिर नेशनल पार्क भी है गुजरात में, गिर नेशनल पार्क, और साथ ही साबरमती रिवर बैंक है, उस रिवर बैंक पर सिचुएटेड है अहमदाबाद। रिवर बैंक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सूरत जो है ताप्ती रिवर बैंक पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट, ऑप्शन सी इज आर आंसर। हु हैज वर्चुअली लॉन्च्ड द डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेक। डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेक किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, और हमारे जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा लॉन्च करा गया कृषि मेघ डेटा रिकवरी सेंटर। और पीयूष गोयल, मैंने आपसे अभी डिस्कस करा, ये हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, साथ ही रेल मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं डिफेंस मिनिस्टर, और अमित शाह हैं होम मिनिस्टर, और ऑप्शन डी इज आर आंसर। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर ऑन ट्यूजडे लॉन्च्ड द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेक सेटअप इन हैदराबाद। द मिनिस्टर कॉल्ड दिस सेंटर अ स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ न्यू इंडिया एज एनवर्साइज बाय PM मोदी। पीएम मोदी जी के द्वारा जैसा सोचा गया था नया इंडिया वैसा रहने वाला है, स्टेप फॉरवर्ड होगा डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ, और ये कृषि मेघ उसके लिए लॉन्च करा गया एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पुलिस ऑफिसर्स हैज बीन अवार्डेड विद द यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन फॉर 2020। कितने पुलिस ऑफिसर को अवार्ड दिया गया है यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2020 के लिए, और 121 जो हैं 121 पुलिस ऑफिसर्स को ये मेडल दिया गया। ऑप्शन ए इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मार्क्ड। कब वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व करा जाता है, एंड 13th अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है। और अब हम डिस्कस करेंगे लिस्ट, इसके पहले हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज आर आंसर। विच अमंग दीज डेज इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे कब ऑब्जर्व करा जाता है, और ये अगेन 13 अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है। और अभी तक अगस्त में जितने भी डेज हमने आज तक डिस्कस करे हैं 15th अगस्त तक, वो उसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, 1st अगस्त को यॉर्कशायर डे और मुस्लिम विमेंस राइट डे ऑब्जर्व करा जाता है। 4th अगस्त को US कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व करा जाता है हर साल। 3rd अगस्त को नेशनल संस्कृत डे ऑब्जर्व करा जाता है, जो कि श्रावणी पूर्णिमा को हर मास ऑब्जर्व करा जाता है। 6th अगस्त को हिरोशिमा डे ऑब्जर्व करा गया था, और 7th अगस्त को इंटरनेशनल बियर डे, जो कि 1st फ्राइडे ऑफ अगस्त को ऑब्जर्व करा गया इस बार, क्योंकि इस बार 7th अगस्त को 1st फ्राइडे था। और क्विट इंडिया मोमेंट 8th अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है एवरी ईयर, और 9th अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है नागासाकी डे।
9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल भी ऑब्जर्व करा जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व करा जाता है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, साथ ही वर्ल्ड एलिफेंट डे। इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे। और 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे और इसके साथ ही वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करा जाएगा। और एक बार फिर से क्विक रिविजन कर लेते हैं। 1 अगस्त को यॉर्कशायर डे, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। 4 अगस्त को यूएस कोस्ट गार्ड डे। और 3 अगस्त को नेशनल संस्कृत डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को इंटरनेशनल बियर डे, जो कि ऑब्जर्व करा जाता है फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अगस्त। और 8 अगस्त को ऑब्जर्व करा गया क्विट इंडिया मूवमेंट। 9 अगस्त को ऑब्जर्व करा गया नागासाकी डे। 9 अगस्त को अगेन एक और डे ऑब्जर्व करा गया, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। 10 अगस्त को ऑब्जर्व करा गया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और साथ ही वर्ल्ड एलिफेंट डे। 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। आई होप आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन रियली पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। और इसी के साथ ही सेशन को हम एंड करते हैं। दैट वॉज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। गुड मॉर्निंग यू ऑल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू